दोस्तों आज इंसान काफी ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिकीकरण के कारण ताकतवर बन गया है, जिसकी वजह से वो आज पूरी दुनिया पे राज करता है। चाहे वो आसमान हो, जमीन हो या फिर समुंदर, इंसान हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। इन सब के चलते अगर आप ये सोचते हैं कि इंसान पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो आप शायद गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सामने इंसान ना ही जाए तो अच्छा है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन कर दें। दोस्तों हमारे 5वें नंबर पे है भालू। अक्सर आपने अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य घर के बड़े लोगों के मुंह से भालू की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें भालू को एक आक्रामक जानवर के रूप में बताया गया होगा, जहां भालू अक्सर किसी भी इंसान पर हमला कर देता है। अगर आप एक भालू को करीब से देखोगे तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई भालू एक खूंखार जानवर हो सकता है, क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है और इंसानों के देखने के बाद ये काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। हमारे 4थे नंबर पे है बाघ। दोस्तों बाघ भारत की शान कहलाने वाला जानवर है, जो भारत का ही नहीं बल्कि कई देशों का राष्ट्रीय पशु भी है। ये काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर जानवर है, जो अपनी भूख को शांत करने के लिए हाथी जैसे जानवर पे भी हमला कर देता है। ऐसा देखा गया है कि बाघ दूसरे मांसाहारी जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करते हैं और उन्हें अपना निवाला बनाते हैं। ये जानवर अकेला ही रहना पसंद करता है। इसे इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जानवर को शायद इंसान पसंद नहीं। हमारे 3रे नंबर पे गोरिल्ला। दोस्तों गोरिल्ला एक काफी ज्यादा मजबूत और विशाल जानवर है, जो आमतौर पर आज देखने को नहीं मिलता, परंतु इतना विशाल दिखने वाला ये जानवर इंसानों के काफी करीब माना जाता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है। इन्होंने कई बार इंसानों पर हमला किया है, जिसमें इंसान मिनटों में दम तोड़ चुका है। ये खतरनाक होने के साथ साथ काफी ज्यादा बुद्धिमान जानवर भी है, जिसके साथ दूसरे जानवर का मुकाबला करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। अक्सर ये इंसानों को देखने के बाद काफी ज्यादा आक्रामक रूप ले लेते हैं। हमारे 2रे नंबर पे है एलिफेंट। दोस्तों हाथी कितना ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होता है, ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। अक्सर आपने हाथी को एक पालतू जानवर या फिर फिल्मों में बड़े शांत स्वभाव वाले जानवर के रूप में देखा होगा, परंतु रियल लाइफ में ये काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं, जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी मुश्किल से भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाथी आमतौर पर इंसानों पर काफी ज्यादा हमलावर रहती है, ये इंसानों को देखते ही उन्हें खदेड़ना शुरू कर देती है। हमारे 1ले नंबर पे है हिप्पोपोटामस। ये शांत स्वभाव वाला जानवर, जिसके देखने पर ऐसा लगता है कि ये जानवर बहुत शांति से रहता होगा, परंतु दोस्तों इनके रंग रूप और मासूमियत पर मत जाइए, क्योंकि दूसरे जानवरों की तुलना में ये जानवर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं। अगर ये किसी को अपनी सीमा के अंदर पाते हैं तो ये उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, चाहे वो मगरमच्छ जैसा विशाल मांसाहारी जीवी क्यों ना हो। वैसे तो ये अपनी पूरी जिंदगी पानी के अंदर या उसके आसपास बिताते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा गुस्सेल जानवर है, जो जल्दी से भड़क जाता है, खास तौर पर इंसान को देखकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली जानवर कौन सा लगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। और हाँ, आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।